ये हायर कंपनी का HW65113D, ये एक वॉशिंग मशीन है। ये एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अभी तक आपने जितने भी वॉशिंग मशीन देखे हैं, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इन सब का फंक्शन एक ही जैसे होता है। किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो हायर का हो, आइसन का हो, एलजी का हो, या किसी भी कंपनी का, ऑलमोस्ट सारे फंक्शन जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। चेंजिंग होता है तो उनके बनावट में, उनके मॉडल में और उनका मैटेरियल, लेकिन जो वर्किंग प्रोसेस है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, सबका सेम होता है। तो हम आज इसी वॉशिंग मशीन के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे कि क्या और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। आपने एक ये वीडियो देख लिया तो आप सारे वॉशिंग मशीनों को, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को। वर्किंग कैपेसिटी के बारे में बात करें, जो पावर सप्लाई हमारा लगता है इसमें 20 वोल्ट से 240 वोल्ट तक ही ऑपरेट करता है ये। उससे ऊपर अगर वोल्टेज आता है तो इस कंडीशन में ये हमारा वॉशिंग मशीन काम नहीं करेगा। इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 6.5 kg की है, 6.5 kg। जो इसमें वाटर लगता है मैक्सिमम, जिसमें हमारे कपड़े धुले जाते हैं, 65 लीटर तक पानी लेता है, और मिनिमम कम से कम 38 लीटर। जो पावर कंजप्शन है वो है वॉशिंग के टाइम पे, यानी कि जब हम कपड़े धुलाई करते हैं तो जो मैक्सिमम लेता है वो 350 वाट, यानी 350 वाट। और जैसे कि जब हम कपड़े सुखाते हैं इसमें, इस पेन में, तो यहाँ पे जो पावर हमारा कंजप्शन होगा वो होगा 200 वाट। पूरे वॉशिंग मशीन का जो वेट है वो 19 kg है, और जो वॉश टाइमिंग है यानी कि मैक्सिमम कितने मिनट में कपड़े हमारे जो धुल जाएंगे उसका है 15 मिनट। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कितना पावर लेता है, कितना कंजप्शन लेता है उसके बारे में। अब हम इसके जितने भी पोर्शन है यहाँ पे दिए हुए हैं, ये कंट्रोल पैनल, हम इन सब के बारे में जानेंगे कौन क्या चीज के लिए आता है। और साथ ही साथ हम आपको इसका ओवरलुक दिखा दें कि इसमें क्या क्या आता है। इस अगर आप नया अगर खरीदेंगे उस टाइम पे आपको क्या क्या मिलता है। ये जो इसका ऊपर का जो पोर्शन है, ये ऊपर का ढक्कन, ये ट्रांसपेरेंट है यानी कि पारदर्शी है। आप इसमें इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, इसका एक बेनिफिट है कि जब भी इसमें हम कपड़े की धुलाई करेंगे तो हमारा कितना मात्रा इसमें सर्फ बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, हमको ऐसे बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरों में क्या होता है, जहां पे हमको दिखाई नहीं देता इसके अंदर क्या चल रहा है क्या, तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बार बार हमको इसको खोल के देखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होगा, आप बिल्कुल आसानी से अंदर कितना सर्फ बचा है, कपड़े का पोजिशन धुला है कि नहीं धुला है, आप बिल्कुल इस ढक्कन को बिना उठाए ही देख सकते हैं। ये हमारा वाटर इनलेट के लिए पाइप है, और इस पाइप के साथ ये कपड़े सुखाने के लिए इस पैनल जो लगता है, इसका भी नाम बताएंगे, इसको क्या कहते हैं, और ये दो कहाँ पे यूज होगा तो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। ये जो है इसके साथ आया हुआ है ये पाइप, ये हमारा कहाँ प्रयोग होता है, जब हम इसके अंदर पानी हमको डालना होता है हम वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। ये दो चीजें हैं, ये वाटर इनलेट के लिए लगाया जाता है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे नीचे रख के ऐसे हम इसको लगाएंगे, और एक दूसरा वाला यहाँ पे, ये जो वॉशिंग के टाइम पे जब हम यूज करेंगे तो वहां पे लगेगा। ये देखिए ये उल्टा लगा रहे हैं हम, उल्टा, ये जो ऐसे लगाने का मतलब उल्टा हुआ। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये ऊपर रहेगा, छोटा वाला हिस्सा नीचे रहेगा। ये जो पाइप आया हुआ है इसका जो ये रबड़ वाला हिस्सा है, जब भी हमको पानी लेना होगा अगर हम वॉश कर रहे हैं तो इसमें हम लगा देंगे। और इस वाले पोर्शन को, ये जो पतला है, जो हमारा नोजल टूटी आता है वहां पे हम लगा देंगे बिल्कुल ऐसे, और लगाने के बाद से हमारा इसमें जितना भी पानी की जरूरत है यहां से ये पानी आ जाएगा अंदर की तरफ। हम कपड़े को इसमें डालते हैं, डालने के बाद से इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ जहां भी कपड़ा रहता है अच्छे से ऐसे दाब देते हैं, जिससे होता क्या है कि कपड़ा ऊपर की तरफ ना आए, और मतलब ये बिल्कुल अच्छे से उस कपड़े का पानी जितना भी है उसको निचोड़ सके। तो इसका नाम आप जान गए होंगे, स्पिनिंग कैप। अभी हम इसका वर्किंग प्रोसेस बताएंगे आपको, इसमें कैसे कैसे क्या काम होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। आप अगर हमारा ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, देखने के बाद से आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और जितना से जितना हो सके उतना शेयर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे अच्छे वीडियो हमको बनाने का मन होता है। इसमें आपका एक भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम इस पूरे कंट्रोल पैनल का क्या नाम है,
और इसका कब कैसे यूज है ये भी साथ में दिखाते चलते हैं, आपको बताते चलते हैं। ये जो कि है वॉच टाइमर को वॉच सेट करने के लिए पूरा ये जो है कंट्रोल पैनल इसको कहा जाता है। ये जो दोनों है यहाँ पे वाटर सप्लाई आता है, इसका नाम है वाटर सप्लाई कंटेनर वॉश लीड। ये जो है इसको हम वॉश लीड कहते हैं। ये जो एरिया होता है हमारा ये पूरा ये वॉश टब है, यहाँ पे एक ओवरफ्लो फिल्टर होगा। ये जो है ये इसको हम ओवरफ्लो फिल्टर कहते हैं। जब भी कपड़े की सफाई होती है तो इसमें आके कचड़े जमा हो जाते हैं इसमें, तो इसको कैसे सफाई करेंगे आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हम वो भी आपको बताएंगे कि इसको निकाल कर कैसे सफाई किया जाता है। उसके बाद से ये जो ऊपर का हिस्सा है ये स्पिनर लीड है। उसके बाद से जो इन अंदर का हिस्सा है इसको इनर लीड कहते हैं। अब ये जो हमारा पोर्शन बच गया ये स्पिन टब है। इस पाइप को हम कहते हैं ड्रेन हुज। आपके घर में जब भी पाइप खराब हो जाता है तो आप कहते हैं, आपको अगर मांगना भी होता है तो इसका नाम आपको नहीं पता है। अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे और मुझे कहेंगे कि मुझे ड्रेन होज चाहिए जो वॉशिंग मशीन का, तो आसानी से समझ जाएगा। ये जो पानी बाहर निकलता है गिरता है तो इस पाइप का नाम है ड्रेन होज पाइप। अब जो हमारा पावर कॉर्ड है उसको हम दिखाते हैं। ये पीछे होता है पावर कॉर्ड का पूरा पोर्शन है सेफ्टी की पर्पज से। सेफ्टी पर्पज की वजह से ये जो पावर प्लग है इसके अंदर इंस्टॉल होता है। तो ये हमारा पावर कोड होता है जहां से इसकी सप्लाई जाएगी। ये वायर है, ये पीछे का पूरा वॉशिंग मशीन का पोर्शन है, पीछे कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर मोटर होता है। तो अब आपके सामने समस्या ये है कि आप कपड़े की धुलाई शुरुआत कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये कपड़ा है तो हम यहाँ पे जो भी दिखाएंगे आपको करके नहीं दिखाएंगे, ओनली फॉर डेमो पर्पज दिखाएंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो जैसे कि ये कपड़ा है, इस कपड़े को हम ये जो वॉशिंग का एरिया है इसमें हम अच्छे से इसको डाल देंगे जितने भी कपड़े हैं। ये पानी के लिए इनलेट का है तो इसको टोटी में लगा देंगे। अब इतना प्रोसेस होने के बाद से जब हमारा टोटी खोल देंगे तो यहाँ से जो पानी है बिल्कुल नीचे की पोर्शन से यहाँ पे पानी आना चालू हो जाएगा वॉशिंग। अब हमारा कंट्रोल पैनल पे सबसे पहला काम जो होगा कपड़े के अनुसार टाइमिंग सेट करना, यानी कि हमको कपड़े के हिसाब से कितना टाइमिंग सेट करना है। ये मैक्सिमम जो टाइमिंग दिया हुआ है यानी कपड़े आपके कितने भी हो इस टब में 6.5 kg तक का किसी भी तरीके का 15 मिनट के अंदर में इसकी धुलाई होके आपकी खत्म हो जाएगी, यानी कि ओनली फॉर धुलाई हो 3 मिनट 6 मिनट 9 मिनट 12 15 मिनट ये पूरे टाइमिंग दे रखा हुआ है। इस नोब को हम यहाँ से ऐसे घुमाएंगे जैसे कि अभी ये आवाज करना शुरू किया। जैसे कि अभी हम अपने क्या किए हैं ये एक नॉर्मल एक कपड़ा डाल दिया। अब उसके बाद से हमको क्या करना है, इसमें पानी की मात्रा हमने भर लिया अपने कपड़े के अनुसार जितना हमारा कपड़ा होगा जिसके अनुसार। अब ये नहीं कि मेरे पास एक कपड़ा है और मैं पूरा ये पानी भर दूं इसमें, तो इससे क्या होगा हमारा पानी भी बर्बाद होगा और हमारी बिजली का कंजप्शन भी, यानी कि हमको कपड़े के अनुसार अपना पानी इसमें भर लेना है नॉर्मल कि जितने में हमारी धुलाई हो सके। जैसे कि हम नॉर्मली हम धुलाई करते हैं हमको अनुमान है कि कपड़े इतने कपड़े में हमारी धुलाई हो जाएगी, तो उस अनुसार उसमें जो भी डिटर्जेंट आप यूज करते हैं कोई सा भी सरफ आप इसमें डाल सकते हैं, डाल दीजिए। डालने के बाद से इसके ऊपर का जो ढक्कन है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे कि ये ढक्कन आया हुआ है, ये ढक्कन इसको अच्छे से यहाँ पे बंद कर दीजिए। जिसकी इससे होगा क्या कि अगर कोई बच्चे भी आते हैं तो इसमें हाथ ना डाल पाए या मतलब इस तरह, क्योंकि ये जो मशीन जब मोटर चलने लगता है तो अगर बच्चों का या हाथ पड़ जाए या कुछ पड़ जाए तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, शॉक भी लग सकता है। तो इस सेफ्टी पर्पज से ही हमें हमेशा ढक्कन बंद रखना चाहिए, ढक्कन बंद करके हमको धुलाई करना चाहिए। सेकंड, जैसे हमें डिटर्जेंट और अपना जो भी है केमिकल जितना भी हमको जो जिस भी कंपनी का जो भी कोई स्पेशल वॉश करने के कोई डिटर्जेंट नहीं बता रहे हैं आपको, जिस भी कंपनी का मन करे आप इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इस ढक्कन को बंद कर दीजिए। ढक्कन बंद करने के बाद से फर्स्ट काम अब कपड़े के अनुसार जो हमें है वॉच टाइमर सिलेक्ट करना है कि हमारा कपड़ा 3 मिनट में धुलेगा 6 मिनट में धुलेगा या 9 मिनट में। अब कपड़े की मात्रा ज्यादा है तो उसका टाइमिंग हम बढ़ाते जाएंगे केवल कपड़े के अनुसार कि हमको कितने की जरूरत है। जैसे मेरे पास एक कपड़ा है मोस्टली 3 मिनट के अंदर में एक कपड़ा धुल सकता है, ऊनी कपड़ा है, मैं इसकी टाइमर को ऐसे घुमाऊंगा 3 मिनट पर सेट कर दूंगा। यहाँ पे इसको 3 मिनट पर सेट किया। अब जैसे कि आपने पानी डाल दिया है, वॉच टाइमर का टाइमिंग सेट कर दिया है, सेट करने के बाद से ये प्रोग्राम सिलेक्टर है आपके कपड़े कितने गंदे हैं या नॉर्मल है तो ये प्रोग्राम सिलेक्ट करने का। मोस्टली लोग क्या करते हैं इस नोब को ना चारों तरफ से ऐसे गोल घुमा देते हैं तो क्या होता है टूट जाता है। अब
वो मोटर की स्पीड को और मोटर को कंट्रोल करने के काम में आता है। तो जब भी हमको अगर नॉर्मल कपड़े हैं, ज्यादा गंदे नहीं है, तो ये जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, स्टैंडर्ड देखिए यहाँ पे, और मोस्टली कुछ जगहों पे कुछ कंपनियों में नॉर्मल लिखा होता है, नॉर्मल वॉश, ठीक। तो हमको नॉर्मल वॉश करना है, ये नॉर्मल वॉश हो गया। अगर कपड़े ज्यादा गंदे हैं, ज्यादा मात्रा में हैं, और अच्छे से उसको बालों से धुलाई करना है, तो ये स्ट्रॉन्ग पे ऐसे घुमा दीजिए इसको, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि आपके कपड़े बहुत जल्दी आसानी से साफ हो जाएंगे। अब इसको कभी भी पूरा ऐसे मत घुमाइए, नहीं तो ये क्या होता है ना, टूट जाता है, ऐसे घूम भी नहीं रहा है। लेकिन जबरदस्ती कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पूरा घुमा देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी नया वॉशिंग मशीन ही खराब हो जाता है आपका। अब हमको धुलाई के टाइम पे बस दो ही चीज का प्रयोग करना है, कि स्ट्रॉन्ग एक नॉर्मल वॉश। अब हम साथ ही साथ ये भी बता दें, कपड़े आपके धुल गए, इसको अगर यहाँ पे देखने के बाद से अगर आपका टाइमिंग ये जैसे ही 3 मिनट है, 3 मिनट का टाइमिंग खत्म होने के बाद से यहाँ पे ये ऊपर की कंडीशन में आ जाएगा, ऑफ की कंडीशन में। जब ऑफ पे आ जाएगा, तो ऑफ आने के बाद से फिर आप कपड़े को देख लीजिए कि आपके कपड़े धुल गए हैं कि नहीं, सरफ और सरफ में। अब हमको निचोड़ना है, निचोड़ने के लिए अब हम फिर क्या करेंगे कि मतलब इसमें का जो सरफ है उसको पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद से फिर से हम टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे इसमें, जितने टाइम में हमारा सरफ एक बार धुल जाएगा टाइमिंग सेट करेंगे। टाइमिंग सेट करने के बाद से जैसे कि हमने यहाँ पे पहले स्ट्रॉन्ग किया हुआ था, अब नॉर्मल वॉश भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे सरफ हमारा निकल जाएगा। और जब जैसे कि हमने सरफ, आपको समस्या होगा कि पानी निकलेगा कैसे, फर्स्ट वॉश के बाद से हमको दूसरा पानी कभी ना डाल पाएंगे जब पानी निकल जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ये ड्रेन का प्रयोग करेंगे। इसको ऐसे घुमाएंगे बिल्कुल इस कंडीशन में। अब ये क्या है कि आपका यहाँ से पानी बिल्कुल नीचे की तरफ निकल जाएगा एक बार फर्स्ट टाइम में यहीं से। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो पाइप है आपका ड्रेन पाइप, जैसे कि इसका नाम था ड्रेन होज पाइप, इसको ड्रेन होज पाइप कहते हैं, तो ये हमेशा नीचे की तरफ रखे, नहीं तो पानी क्या होगा, इसी में इकट्ठा होता है, पानी गिरता नहीं है, हमेशा इसको नीचे की तरफ नीचे रख दे। तो ये पानी आपका ड्रेन हो जाएगा, और ड्रेन होने के बाद से फिर आप इसको ऊपर की तरफ उठा दें। अब ये ऊपर उठने के बाद से आपका दूसरी बार पानी से आप खंगाल लिए, सरफ भी निकल गया। अब इस कपड़े को निकाल के हमको क्या करना है, जब जब हमारा कपड़ा धुल गया, अब इस कपड़े को निकाल कर यहां से हम ये जो ड्रेन का है यानी कि सुखाने के लिए स्पेनर में डालेंगे, इस ढक्कन को निकालेंगे। अब इस कपड़े को कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे कपड़ा ऐसे डाल दिए, ऐसे डाल के छोड़ देते हैं, इसकी वजह से होता क्या है, मोस्टली लोग क्या करते हैं जैसे कि कपड़ा निकाले और इसको ऐसे ले जाकर रख देते हैं। अब कपड़ा हमारा गीला होता है, या तो कभी जैसे कि कपड़े की कम मात्रा होती है तो एक साइड इधर हो जाता है, एक साइड की तरफ। अब इससे होता क्या, जब ये मोटर चलता है ना, तो ये आपस में ऐसे इधर इधर उधर बॉडी में टच होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वॉशिंग मशीन ना बिल्कुल ऐसे कंपन करने लगता है। कभी भी हमको रखना हो कपड़े तो बिल्कुल ऐसे इसको चारों तरफ से फैलाकर इसको बराबर मात्रा में, और आपका स्पेनिंग कैप है इससे बिल्कुल अच्छी तरह पूरी तरह से दबा कर ऐसे इसके ऊपर रख दीजिए। इससे होगा क्या कि कपड़े की जो मात्रा है चारों तरफ बराबर हो जाएगी। अब हम इस ढक्कन को जैसे पूरी तरह से बराबर रख दिए हैं दबाकर, कम हो या ज्यादा कपड़े हो, इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद से फिर इस ढक्कन को बंद कर देंगे, और यहां से जितना भी मिनट में कपड़े आपके सूख जाए उसका टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम दे रखा हुआ है। अब हम यहां से इसको ऐसे घुमाएंगे और ये आपका टाइमर चालू हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हमें कभी भी इसको खोलना नहीं है, और साथ ही साथ ये भी हम बता दें आपको, अगर आप खोलते हैं इसको और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए, अगर नहीं बंद हो रहा है तो इस कंडीशन में आप इसके दिए हुए 2-3 नंबर पे कॉल कीजिए। क्यों नहीं बंद हो रहा है, इसको बंद होना जरूरी है। बंद कर दिए, स्पेन करते के टाइम पे हमें कुछ सावधानियां बरतना चाहिए, जैसे कि हमको खोलना नहीं चाहिए इसको, और कभी भी ऐसा खुला छोड़ के इसको ऑन नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हमारा सेंसर खराब हो जाता है उस कंडीशन में ऑन हो जाता है, लेकिन इसमें ये फीचर है कि जैसे ही आपका ये अगर ऊपर की तरफ खुला रहेगा तो हमारा स्पेनर का मोटर नहीं चलेगा। तो कुछ अभी का जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ रहा है उसमें ये सेंसर दे रखा हुआ है,
तो आप कोशिश करिए, अगर ये आपका सेंसर खराब हो गया है और खोलने के बाद से अगर आपका रुक नहीं रहा है मोटर या चल रहा है, तो आप अपने टेक्निकल कस्टमर केयर में कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये कपड़े सुखाने के लिए रहा हमारा प्रोसेस। अब जब हमारा पूरा टाइमिंग खत्म हो जाएगा तो एक बीप आएगा, कपड़ा बिल्कुल पूरी तरह से निचोड़ गया। अब हम इसको निकाल के देखेंगे कि ये कपड़ा हमारा सूखा हुआ है कि नहीं सूखा हुआ है, अच्छे तरीके से लेंगे इसमें से ऐसे। अब रही बात कि इसकी सफाई का, अब हम इसमें सफाई क्या क्या कर सकते हैं इस वॉशिंग मशीन में। जी हाँ, आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको पूरा डिटेल्स इस एक वीडियो में मिलेगा, आप कहीं भी मत जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जैसे कि अभी तक आप देख रहे थे इसका धुलाई का प्रोसेस, कि कैसे हम इसको धुलाई करेंगे, ये हमारे कंट्रोल पैनल को क्या क्या है, कैसे काम करता है, ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, हर धुलाई के बाद से आपका बजर बजेगा इस वॉशिंग मशीन में, यानी कि आपका जब टाइम पूरा हो जाएगा तो ये एक आवाज आएगा बीप सा ये सारे पे वॉशिंग मशीन पे। तो ठीक वैसे ही अब हमको ये वॉशिंग मशीन रखना कहाँ, हमेशा कभी भी रखिए इसको समतल जगह पे रखिए, डायरेक्ट धूप ना लगता हो या ज्यादा गीला जगह ना हो जहां पे हमको शॉक वॉक लगने का प्रॉब्लम हो बच्चों का, इस तरह जगह पे ना रखें। और कोशिश ऐसा कीजिए जहां से जो आपका वाटर सप्लाई यानी कि पानी लेने के लिए इसमें डालने के लिए जगह और जो पावर कोर्ड है यानी कि पावर सप्लाई दोनों आसपास ही में रहने चाहिए, जिससे कि हमको ज्यादा दूर पावर सप्लाई ना ले जाना पड़े इसके कॉर्ड को। आइए अब अंदर देखते हैं, अंदर की तरफ इसकी धुलाई करने के बाद इसमें हम सफाई क्या क्या करते हैं। आप हल्का सा सूखा कपड़ा लेकर जब आपकी धुलाई हो जाए तो इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद से एक बार इस वॉशिंग मशीन को ऐसे नॉर्मल ऐसे घुमा दीजिए, एक वन राउंड घूमने के बाद से इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद से इसमें से पानी निकाल दीजिए और पानी जब निकल जाए, निकलने के बाद से उसको एक बार इसकी सफाई कर दीजिए सूखे कपड़े से, ऐसे इसको पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद से इसमें धुलाई के लिए ये जैसे कि यहाँ पे ये जो दे रखा हुआ है इसका नाम है जैसे कि ओवरफ्लो फिल्टर इसको कहते हैं। तो इसको हम ऐसे नीचे ऊपर की तरफ ये ऊपर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसको हम ऐसे नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए आगे की तरफ खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये निकलने के बाद से इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो भी कपड़े धुलाई करते हैं तो मैल बैठ जाता है या गंदगी बैठ जाती है, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, अपने इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे उल्टा करना है और अपने टोटी पे नल के सामने जैसे कि ये मान लीजिए टोटी है, इसको सामने ऐसे करके साफ कर लीजिए और ज्यादा इसको रगड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं तो क्या होता है इससे कि ये फट जाता है, तो ये दिक्कत होती है, ये ओवरफ्लो फिल्टर कहते हैं इसको। अब धुलाई होने के बाद से अब फिर जैसे पहले नॉर्मल कंडीशन में था वैसे रख के इसको अंदर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ पुश कर देंगे। देखिए ये एक नोब दे रखा है, हर वॉशिंग मशीन में कुछ डिफरेंट होता है ऐसे ही होता है। अब इसको अंदर की तरफ हम पुश कर दिए, ये बिल्कुल आपका फिट हो गया, ये ओवरफ्लो फिल्टर है। बस इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमको इतना ही। अब ये जो स्पेन है इसकी हम खोल के इसमें भी हम ये जो रबड़ दे रखा है इसमें से अगर पानी का लगा हुआ है या थोड़ा सा सरफ और कचरा लगा हुआ है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। ऐसे निकालने के बाद से इसकी भी हम ऐसे कपड़े से सफाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें अच्छा और लॉन्ग टाइम तक हमारा ये मटेरियल अच्छा रहेगा और प्रोडक्ट भी अच्छा सेफ्टी के साथ दिखेगा। बस इसमें इतना ही देख रेख की जरूरत होती है धुलाई के बाद से, इसको बंद करके और बिल्कुल सूखे जगह पे आप रख दीजिए जिससे कि आपका ये लॉन्ग टाइम तक चले। हमको उम्मीद है ये हमारा वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए। जितने भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आते हैं उनका ऑलमोस्ट फंक्शन सेम ही होता है, इसी तरीके का होता है, जितने भी कंट्रोल पैनल के प्रोग्रामिंग दे रखे हैं वो सबके सेम ही होते हैं।